Welcome back to the channel, everyone. तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं आईहोले और पतनकल की ओर. ये दोनों जो लोकेशन से काफ़ी हिस्टोरिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट लोकेशन है और हम वहाँ जाने के बाद आपको थोड़ा सा वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे और उसके साथ साथ हम आपको उन ऐतिहासिक स्थानों के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे. तो चलिए बने रहिए हमारे साथ थोड़ा सा, दो चार मिनट भैया. हेलो गाइज, तो अभी हम रास्ते में थे और रास्ते में मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपको यहाँ थोड़ी सी खेती दिखाई जाए आपको. अभी मेरे बाजू में जो लेफ्ट साइड में जो यहाँ है, इसे मूंगफली की खेती कहते हैं. तो आई जस्ट वांट टू शो यू अराउंड हियर, दिस इज़ वेरी अमेजिंग. और अभी तो शायद इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा मूँगफली तैयार होने में, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने वाला हूँ कि मूँगफली कैसी दिखती थी. दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स. अभी ये जो है, ये जो बना हुआ है यहाँ, ये मूंगफली के छोटे छोटे बीज है, क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे पेड़ जैसा है ये. और दिस इज़ अमेजिंग यार, ये पूरा मूंगफली का खेती है यहाँ. और अगर आप आईहोले और पतनकल्लू आ रहे हो ना, तो आप बीच पे रुक सकते हो यहाँ और इस जगह पे आप घूम सकते हो, इट्स अमेजिंग. और थोड़ा सा यहाँ वहाँ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो. और ये जो मेरे बाजू वाला खेत है, इसमें कुछ ये पैडी जैसा लग रहा है, ये गेहूँ है शायद, ये जो पीछे ये गेहूँ है. लेकिन ये सारा जो खेत है, ये पूरा मूंगफली का है. तो मैं आपको अभी उस और लेके जाता हूँ, उस और शायद कुछ और है. दिस इज़ अमेजिंग. अभी मेरे पीछे एक्चुअली पतनकल्लू चला गया, लेकिन हमें पहले आईहोले जाना है. आईहोले बादामी से कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. तो हमने जिस रिक्शा की है, ये जो रिक्शा की है, तो भाई ने बोला कि क्यों ना हम पहले जो लंबा लोकेशन है वो कवर करें और फिर पतनकल्लू आए, और फिर हम वही कर रहे हैं अभी. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस. जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि अभी हम आईहोले जा रहे हैं और ये जो लोकेशन है पूरा, ये आईहोले का लोकेशन है जो कि एक काफ़ी बड़ी हिस्टोरिकल साइट है. तो अभी ही हमारे साथ जो दुर्गा आए थे, वो दुर्गा टिकट लेने गए. ये पीछे मेरे पीछे जो आप देख सकते हो ना, ये यहाँ का टिकट काउंटर है. अभी आई डोंट रियली नो हाउ मच डू दिस चार्ज, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि 25 rupees पर पर्सन, और अगर आपके पास कैमरा है तो 25 rupees, तो आपको 50 rupees दोनों देके आपको यहाँ का टिकट मिल जाएगा. और फिर हम अंदर जाएंगे, फिर अंदर का जो एरिया है, हम उसके बारे में भी आपको एक डिटेल में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं. हेलो गाइस, जैसे अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, तो ये है दुर्गा मंदिर. ये दुर्गा मंदिर का निर्माण काफ़ी हज़ार साल पहले किया गया है, इसीलिए इसकी अभी जो करंट स्थिति है वो एक्चुअली काफ़ी डाइल्यूटेड है. तो मैं आपको अंदर ले जाता हूँ और अंदर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है नहीं अभी, लेकिन मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ. तो मैंने थोड़ी तो बोला था तुम्हें. यहाँ एक्चुअली कुछ है नहीं, एक्चुअली काफ़ी सारा अंधेरा है. और जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारी जगह दिखाया पहले, उस तरह इसका इस जो गर्भगृह में मूर्ति रहती थी, वो मूर्ति निकाली दी गई है और उस मूर्ति को शायद वहाँ जो म्यूज़ियम में रखा गया है. और ये है काफ़ी पुराना मंदिर दुर्गा देवी का. तो यही है यार, इतना ही दिखाने के लिए. लेकिन देखने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये. अगर आप यहाँ विज़िट करते हो तो आई मस्ट से कि आप इस दुर्गा मंदिर में जाना ज़रूरी है. ये जो आपने अभी देखा, ये था यहाँ का दुर्गा मंदिर. मैं आपको अभी मेरे पीछे वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से में लेके जाऊँगा. रॉक कटिंग टेक्नोलॉजी की तरह भी इसको यूज़ किया जाता था और उसी के आधार पर यह बनाया जाता है. अगर आपने हम्पी में देखा है, तो हम्पी में भी आपको इस तरह के मोन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे. अभी यहाँ टेंपल हुआ करता था शायद, ये टेंपल ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ मूर्ति हुआ करती थी. लेकिन अभी तो शायद उस मूर्ति को निकाल दिया गया है.
अभी मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ और बाहर जाने के बाद जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको ये वाला हिस्सा दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये वाला हिस्सा दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए, इट्स अमेजिंग प्लेस। अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो तो आप फोटोग्राफी कर सकते हो यहाँ। उसके अलावा मेरे पीछे वाला जो एरिया है, वो वाला जो एरिया है वहाँ म्यूज़ियम में, इस एरिया में जो चीज़ें मिली थी इन लोगों को, उन लोगों ने सब चीज़ों को वहाँ म्यूज़ियम में रख दिया है। अगर आप लोगों को उन चीज़ों का दर्शन करना है, उन चीज़ों को देखना है, तो आप वहाँ जा सकते हो। उसका कुछ 5 रुपये टिकट है शायद। हेलो गाइस, तो अभी हम आपको नीचे की ओर ले जा रहे हैं जहाँ काफ़ी सारे मंदिर है, और उन मंदिरों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है नहीं वैसे, लेकिन देखते हैं किसी को पूछ के, आई एम नॉट रियली श्योर। यहाँ मेरे पीछे 2 छोटे छोटे मंदिर हैं, ये भी पुराने स्टाइल के मंदिर बनाए गए। और अभी मेरे पीछे वाला ये जो मंदिर देखोगे ना, ये मंदिर से आपको पता चलता है कि ये मंदिर का निर्माण सैंडस्टोन से किया गया है। अगर आप देखोगे ये काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो चुका है अभी। और मेरे पीछे की अगर ये मूर्तियाँ देखोगे आप, इससे आपको पता चलता है कि ये मूर्तियाँ काफ़ी सालों पहले बनाई गई है, लेकिन अभी इसका जो डैमेज है काफ़ी ज़्यादा हद तक हो चुका है। लेकिन चलता है यार, जिन लोगों ने बनाया है काफ़ी सोच के बनाया है, काफ़ी मशक्क़त से बनाया है। ये एक्चुअली किसी विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा ये पूरा जो है आइहोले का एरिया है बनाया गया था। तो मैं आपको और आगे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ भी अभी वो ASI के बंदे हैं, और उनको अगर मेरा ये ट्राइपॉड दिख गया तो इट्स गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसीलिए मैं थोड़ा सा उनसे बच के रह रहा हूँ। मैं अंदर जाने के बाद आपको यहाँ का थोड़ा सा कुछ दिखाता हूँ और, लेकिन मैं वहाँ शायद बात नहीं कर सकूँगा क्योंकि काफ़ी क्राउडेड यार इस जगह पर। काफ़ी सारी मात्रा में स्कूल्स के स्टूडेंट्स आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग भी यहाँ विज़िट करने आते हैं, विच इज़ गुड थिंग। लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए, वीडियो करने के लिए ये जगह मुझे थोड़ी सी नॉइसी लगी, तो मैं आपको अभी अंदर लेके जाता हूँ। अंदर ले जाने के बाद मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। इस मंदिर को सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ अंदर कुछ है नहीं एक्चुअली, यहाँ जो है भगवान विष्णु का है। और अगर आप अंदर देख सकते हो तो अंदर नंदी की मूर्ति है। तो एक मिनट, मैं आपको अंदर ही लेके जाता हूँ। यहाँ नंदी की मूर्ति होने के कारण आपको कुछ शूज़ बाहर निकालने थे। ओ, यहाँ शिवालय भी है। तो ये है काफ़ी बड़ी सी नंदी की मूर्ति, और यहाँ है भगवान शिव का शिवालय। तो यार इस जगह पे अंधेरा होने के कारण ना कुछ दिखता नहीं है, और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ दिखा रहा हूँ वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि अंदर का भी अंधेरा है। लेकिन काफ़ी बड़ा जगह है, और जैसे मैंने अभी बाहर पढ़ा ना, इसको किसी लाड़ खान नाम के बंदे ने इसको अपना घर बना के रखा हुआ था, इसीलिए इस मंदिर को लाड़ खान मंदिर के नाम से जाना जाता है। और अभी मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, इसे भार्गवी लक्ष्मी का मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर में कुछ है नहीं अभी, और इस मंदिर को भी वैसे ही बनाया गया जैसे बाकी के मंदिर बनाए गए। तो अभी हम आपको लेके जा रहे हैं उस मंदिर में क्या है आई डोंट नो, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन यार मैं जैसे बोल रहा हूँ ना आपको बार बार कि ये जगह घूमने के लिए काफ़ी अच्छी है, और आप काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ। और हमने लगभग यार 3 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है, और हमें जाना है अभी यहाँ से पत्तडकल्लू, जो कि यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ जाने के बाद लेकिन वो मैं उसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो सिर्फ आइहोले के लिए डेडिकेटेड रहेगा। तो मैं आपको अभी आगे वाला जो टेंपल है उस टेंपल की ओर लेके जाता हूँ। तो चलिए फिर। ये कुछ लेक जैसा है क्या? ओके, काफी सारा पानी है लेकिन उसमें। हाँ, पुराना है कि नया बनाया हुआ है? पुराना है भाई, वो डैमेज नहीं हुआ इसलिए वैसा लग रहा है। अभी मेरे पीछे जो देख सकते हैं ना, इसे शायद कुछ पानी का वेल जैसा लग रहा है, लेकिन वेल नहीं है। इसके लिए कुछ अलग सा शब्द यूज़ किया जाता है, एंड आई डोंट रियली। हाँ, तो ये थैंक यू दुर्गा, ये जैसे कि आप लोगों ने हमारे
जैसे कि आप लोगों ने हमारे हम्पी वाले वीडियोस देखे रहेंगे, उसमें जैसे काफ़ी सारे पुष्करणी बनाए गए थे ना, उसी तरह का यहाँ भी एक पुष्करणी है, लेकिन इस पुष्करणी में काफ़ी सारा पानी है, अभी भी काफ़ी सारा पानी है, और ये मुझे देखने से लगता है कि काफ़ी सारा डीप रहेगा। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अभी हम आगे वाले मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर में शायद क्या है, आई डोंट नो, किसका मंदिर ये? अभी जिस टेंपल में मैं खड़ा हूँ, इस टेंपल को एक्चुअली सूर्य को प्रतीत किया गया है। जिस टेंपल में मैं खड़ा हूँ, इसके चारों ओर आपको सूर्य से जुड़ी काफ़ी सारी इमेजेस दिखेंगी। ये मंदिर सूर्य को डेडिकेट किया गया है। इस मंदिर में कुछ है नहीं अभी, लेकिन वॉल पे कुछ स्कल्पचर्स कार्व किए गए, तो अगर आप देख सकते हो तो वो स्कल्पचर्स भी आपको यहाँ दिखेगा। ये मेरे पीछे एक स्कल्पचर है, काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, और ये वाला दूसरा स्कल्पचर है जिसका दुर्गा अभी अच्छे से फोटो निकाल रहा है। और फिर बेसिकली गंगा, जमुना और ये गरुड़ा है जो कि नाग पे पकड़े हुए हैं। ओके, और अंदर कुछ है नहीं। दिस इज व्हाट इट इज। और ये था जो सूर्य मंदिर था, और जिसे लड़खार मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अभी मेरे आगे पीछे वाला जो हिस्सा है, दो तीन मंदिर है, वहाँ मेरे पीछे जो है वहाँ एक मंदिर है, हम वहाँ भी जाने को भी देंगे, लेकिन वहाँ अभी भी ASI के बंदे है वहाँ, तो वो जाने के बाद मैं आपको उस मंदिर ले जाऊँगा और उस मंदिर के बारे में भी थोड़ा दिखाऊँगा। वहाँ शायद कुछ तालाब की तरह दिख रहा है मुझे, शायद छोटा सा पानी समाने के लिए कुछ लेक जैसा बनाया गया हो उन दौरान, तो मैं उसका भी आपको नज़ारा दिखाऊंगा। और ये टेम्पल यहाँ से ऐसा दिखता है। अभी इसमें अंदर इस मंदिर में, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था कि भगवान शिव का शिवालय है छोटा सा, और नंदी की मूर्ति भी रखी हुई है। और ये है मेरे पीछे का एरिया जहाँ आप अच्छे से घूम सकते हो, तो हम अभी आपको बाहर लेके जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हो आप बीच में, इसे ये एक्चुअली केव टेम्पल है, मतलब काफ़ी बड़े से पत्थर के अंदर इसको काव किया गया है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। इट्स अमेजिंग है, ये जो जगह है ना, मस्त बनाया है। और यहाँ काफ़ी सारे क्लपचर्स, स्ट्रक्चर्स, काफ़ी सारे पेंटिंग्स को, काफ़ी सारे मूर्तियों को काव किया गया है। और माय गुडनेस, दिस इज अमेजिंग है दुर्गा, दिस टेम्पल इज फार बेटर देन दैट टेम्पल। ये गलोन वाला, ये काफ़ी सारे नाग देवता के रूप है यहाँ, जो आप देखोगे ना यहाँ से नाग बैठा हुआ है, और ये नाग का मुंह है शायद यहाँ। इट्स अमेजिंग यार, कितनी बड़ी सी मूर्ति है, वाव, दिस इज़ ब्यूटीफुल। और ये जो है, ये आई डोंट नो, कोई गॉडेस है, और उन गॉडेस के आसपास काफ़ी सारे गॉडेस की मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी, और लक्ष्मी है शायद ये भाई, तो लक्ष्मी के साथ साथ गणपति भी है यहाँ, और ये भी, और दो तीन देवता हैं। अच्छे अच्छे, कितना अच्छा बनाया है, बहुत मस्त है ना। और ये है अपने भगवान शिव का लिंग। ओम नमो शिवाय। और इसके साथ साथ यहाँ एक विष्णु का अवतार भी है। ये विष्णु का अवतार है, ये जो देख रहे हो ना, ये विष्णु का अवतार है, और उसके साथ दो तीन और मूर्तियाँ छोटी छोटी, और इसके आसपास भी एक काफ़ी सारी अच्छी सी मूर्ति है। ये सरस्वती है, सरस्वती ही है शायद। और यहाँ कुछ टूटा पड़ा सा है जो कि साइड में रख दिया है, और ये है भगवान शिव का लिंग। ओ बनाया है, ये केव टेम्पल ही है, क्योंकि इसको पूरे से एक बड़े से पत्थर में काव किया गया है, और यहाँ काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चीज़ें काव की गई हैं। ये एक्चुअली आईहोले से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। अगर आप इस रास्ते नहीं आ रहे तो आप किसी को भी पूछ सकते हो कि गांव के बाहर एक भगवान शिव का लिंग है, वो कहाँ है, क्योंकि ये जगह देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और मेरे लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हो, इस लेफ्ट साइड में भी शायद कुछ काव करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो पूरी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ छोटा सा केव है, और यहाँ कुछ मूर्ति बनाने का काम शुरू था
लेकिन वो पूरा हो नहीं पाया और इसी की वजह से वो ऐसे छोड़ के चले गए। दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। तो ये पूरा जगह एक्चुअली काफ़ी अच्छा है देखने के लिए। और इस जगह के आसपास दो तीन छोटे छोटे बड़े बड़े मंदिर है जो कि आपको दिख रहा है। ये छोटा सा मंदिर है लेकिन उस मंदिर में कुछ है नहीं अभी, तो यहाँ पूजा नहीं की जाती। हिंदू धर्म की एक परंपरा है कि अगर आप अगर कुछ एक छोटी सी मूर्ति भी खंडित हो जाती है तो उन मूर्तियों का उन मूर्तियों के लिए पूजा वगैरह नहीं की जाती। वैसे ही हर मंदिर में यहाँ। और ये जो छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं साइड में जो आप देख सकते हो, विच इज़ अमेजिंग। तो ये था भगवान शिव का छोटा सा मंदिर। तो दुर्गा जी, ये वाला शायद जैन धर्मों के लिए बनाया गया है ना? हाँ। तो यार ये है, जितने हम आपको केव्स दिखा रहे हैं ना, बदामी में हो या यहाँ हो या ये एरोला में हो, अजंता एरोला में हो, तो उन सबकी खासियत ये है कि वहाँ तीनों धर्मों का आपको समन्वय मिलेगा, जैसे कि हिंदू है, बौद्ध है, जैन है। अभी हमने आपको थोड़ा सा ये वाला एरिया दिखाया, आइहोले का एरिया दिखाया, उसके बाद हम आपको यहाँ लेकर आए। इस केव में आपको मेरे सामने जो मूर्ति है वो भगवान भगवान जय भगवान उसका नाम उनका महावीर जय। तो मेरे सामने जो मूर्ति है वो भगवान महावीर की मूर्ति है और काफ़ी अच्छे से बनाई गई है। जिस तरह से वो बैठे हुए पोज में रहते हैं ना हमेशा, उस तरह से उस मूर्ति का निर्माण किया गया है। ये भी एक छोटा सा केव है, दोनों बाजू में छोटे छोटे गर्भगृह हैं यहाँ। और इस बाजू में जहाँ दुर्गा फोटो ले रहा है वहाँ भी भगवान महावीर की मूर्ति है। ये आपको दिखाई नहीं देगा शायद क्योंकि यहाँ काफ़ी अंधेरा है। तो ये छोटा सा है लेकिन अगर आपको देखना चाहते हो और अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। तो भाई ये था अभी आज का वीडियो जिसमें हमने आपको आइहोले से जुड़े काफ़ी सारे मंदिरों का दौरा करवाया और उसमें हमने आपको उन मंदिरों से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जो हमें पता था। और यहाँ आज प्रॉब्लम ये हुआ, एक्चुअली यहाँ काफ़ी सारे ESI के स्टूडेंट्स थे जो कि यहाँ कुछ सर्वे करने आए थे, उनकी वजह से हमें काफ़ी देरी हुई। और अभी हम निकल रहे हैं पतड़कल्लू की ओर जो कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए वहाँ जाने के बाद हम आपको उस एरिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।